तो अब आइए आप बात करते हैं अपन क्या कि कार्बन की स्थिति किसकी भैया, कार्बन की स्थिति के आधार पर। मैं कार्बन की स्थिति के आधार पर उस एल का नाम बताऊंगा, आर का नाम बताऊंगा, बोले तो कार्बन की संरचना का नाम बताऊंगा। देखो हम एल के आधार एल का नामकरण करने वाले हैं स्थिति के आधार पर, तो कुछ कंडीशन देखिएगा क्या कंडीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये देखो पहले कि अगर मैं एक कंटिन्यूअस सीरीज में किसी से कनेक्टेड गिनते जाऊं, आप ऐसे बोलो एक सीरीज में अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग जानते नंबरिंग, एक को एक नंबर दो, दूसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, कंटिन्यूअस नंबरिंग करते जा रहे हो और आपको ऐसे लगे कि यार मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो इसका मतलब वो शाखा है। समझ में? जैसे मैं यहां से चलूं कि मैं एक एक नंबर इधर चल रहा हूं, इसमें ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से चल रहा हूं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, क्या इसमें आपको लगा कि इधर जाऊं इधर जाऊं? ना लगे, नहीं लगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई शाखा नहीं है। अगर कार्बन की स्थिति अगर जगह चेंज करके दिखेगी तो वो शाखित स्ट्रक्चर कहलाएगी, या वो ब्रांच्ड एल के या बोलो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहलाएगी, कार्बनिक संरचना कहलाएगी, शाखित स्ट्रक्चर दिखाई देगी, है ना। तो देखे देखे इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, अब दिखेगा क्या? देखे दिख गया, बहुत अच्छे। देखे काउंटिंग करो, पता कहां से करूं, इधर से करता हूं, वन टू थ्री, वह कहां से दिख गया भाई, चार नंबर कहीं दिखा के तेरे को लगा के इधर जाऊं किधर जाऊं? नहीं लगा ना, इसका मतलब शाखा नहीं है। तो अब मैं इसको देखो, ये कोई नियम तो नहीं है क्या कि नंबरिंग करने पर अगर हमें ऐसा लगे कि इधर जाऊं या इधर जाऊं तब जाके मैं बोलूंगा वो शाखा है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, है ना। पर हाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर अपनी नोटबुक है तो मुझे याद रखना है तो मैं मेरे लैंग्वेज में इसे लिख सकता हूँ, जल्दी याद रहता है, नहीं है? तो आप चाहो तो लिख लेना ऐसे कि जब नंबरिंग की जाती है तो हमें ऐसा लगे कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर उधर किधर जाऊं, तो आप बोलेंगे वो शाखित स्ट्रक्चर है। तो वो एल्क जो है यानी कार्बनिक संरचना है वो क्या है, शाखित है 100%। जैसे आओ अगला एग्जांपल दिख जाएगा, बोलो शाखित है नहीं है? एक दो, अरे नहीं है, अरे चलो कोई बात नहीं है। अच्छा तो अब बताना, अब बताओ देखे शाखित है कि नहीं है? बोले सर ये तो ऐसे दिख रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, तो शाखा ही होगी, हम नंबरिंग करके देख ले, एक जगह से स्टार्ट, एक किसी एक पॉइंट से टर्मिनल से स्टार्ट करो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, कहीं से कर लो, एक दो, कहीं नहीं दिख रहा है जो कि इधर जाऊं किधर जाऊं। अगर आपको लगे कि इधर उधर जाने में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे सीधी संरचना है। क्या बात करते हो सर, ये सीधी है बिल्कुल, ये एक सरल संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर है। जब आप नंबरिंग करें और आपको क्या लगे, बोलो क्या बोलेंगे, इधर जाऊं इधर जाऊं, तब बोल देना वो शाखित स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं आपको, ऐसे लिखा हुआ काउंटिंग करें, कहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो, एक पॉइंट एक कोने से, एक कोने से स्टार्ट करनी होती है, मर्जी पड़े ज्यादा हो पर वो कोने में जाकर फाइनल हो जाना। जैसे यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से, ये बीच में से स्टार्ट नहीं करना, कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो यहां से स्टार्ट करो, वन टू, अब लगता है इधर जाऊं या लगता है इधर जाऊं, इसका मतलब ये शाखित स्ट्रक्चर है। पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गया तो बांध ले। तो हमने देखा कि अगर हमें लगे कि शाखा है तो फिर शाखा आपको ये दिखाई दे रही है सर, ये तो दो नंबर की दिख रही है, बस यही नहीं है। तो अब मैं इन कार्बन की स्थिति के आधार पर जो कंडीशंस मिलेगी आपको, उन कंडीशंस के कंडीशंस को यहां लिखने वाला हूं। उसमें पहली कंडीशन जो होगी वो डियर, वो क्या होगी, वो होगी एक तो होगी आइसो, एक होगी नियो। क्या कहलाएगी, एक होगी आइसो, एक होगी नियो। जैसे कंडीशन देखते हैं, आइए क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है आइसो, अगर आपको
कार्बन की स्ट्रक्चर में कितने कार्बन दिख रहे हैं? चार। और अगर मैं इसको सीधा लिख रहा था तब भी चार था। अगर आपको कार्बन की स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या समान दिखाई दे और अगर स्ट्रक्चर में एक कार्बन की स्थिति परिवर्तित हो रही हो और वो स्थिति आपको दो नंबर पे दिखाई दे, क्या बोला, यदि कोई ग्रुप या कार्बन की संरचना में कोई कार्बन दो नंबर पे दिखाई देता है, दो नंबर पे पहुंचते ही ऐसे लगने लगे इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो सोच लेना कि वो आइसो की स्ट्रक्चर है। क्या कहलाती है? आइसो संरचना। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कहीं से भी चलो, आपको कहीं से भी चलो, यहां से चलो वन टू, अब सही है कि नहीं है? इसका मतलब इनमें से आपको जाना तो एक तरफ पड़ेगा, किधर चले बताओ? इधर चले तो चलो। तो इसका मतलब ये जो कार्बन की स्ट्रक्चर है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन आइसो कार्बन है, समझ में? तो दो नंबर आइसो संरचना क्या बोलेंगे? कार्बन की संरचना में कार्बन, ऐसे लिखेंगे ना भाई, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या दो नंबर के कार्बन पर, ये दो नंबर का कार्बन है ना, 2C का मतलब है दो नंबर के कार्बन पर कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो कहते हैं। अब देखो ये कार्बन कितने थे टोटल? एक दो तीन चार थे, तो थे, हमें उससे मतलब नहीं है। या चार के जगह पांच हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। देखो ये पांच के छह भी हो सकते हैं। देखो काउंटिंग कहां से करनी है? जब आपको लगे, अब देखो यहां एक दो तीन चार पांच लगा ना, एक कंडीशन दे दी मैं, इधर से गिनते आया तो पांच तक पहुंचा। एक कंडीशन, एक और कंडीशन है, वन टू थ्री फोर फाइव, एक और कंडीशन है यहां, इसको एक दे दो, एक दो तीन चार पांच, सही है कि नहीं है? तो आप ये देख रहे हो कि यहां पे अगर यहां से चले कोई आइसो नहीं बोलेंगे, अगर यहां से चले दो नंबर पे आपको लग रहा है एक समूह दो समूह दिखा है, दोनों तरफ जाने के इधर उधर जाना दिख रहा है, या इधर से एक नंबर से चलो यहां पे आपको एक दो जगह जाने का दिख रहा है, इसका मतलब ये आइसो के स्ट्रक्चर है, समझ में क्या? तो आइसो स्ट्रक्चर क्या होती है डियर? आइसो स्ट्रक्चर वो होती है कि अगर किसी कार्बन की संरचना में दो नंबर के कार्बन पे कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं आइसो। एक होती है नियो, क्या होती है डियर? नियो स्ट्रक्चर। नियो क्या होगा? यदि दो नंबर के कार्बन, क्या बोला मैंने, यदि दो नंबर के कार्बन पर, दो नंबर पे एक समूह की जगह दो समूह जाते हुए दिखाई दे, दो आपको अलग अलग समूह दिखाई दे, दो समूह उपस्थित हो तो वह संरचना क्या कहलाती है? नियो स्ट्रक्चर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, देखो जी वन टू थ्री फोर, सही है ना भाई? अब देखना वन टू थ्री फोर, बोलो हो गया करे, हो गया तुक्के ना मारिया करे, एक बार दिमाग भी लगा लिया करे, ठीक है? क्या बोला? वन टू थ्री फोर, क्या इसमें आपको कहीं इधर उधर जाते दिख रहा है कुछ? नहीं। एक बार लगा कि यार इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना? दो रास्ते दिख रहे हैं आइसो के, अगर आपको तीन रास्ते दिखेंगे तो नियो बढ़ जाएगा। तो इसमें तीन रास्ते दिखेंगे, देखो एक दो, बोलो कितने दिख रहे हैं रास्ते? सर तीन दिख रहे हैं ना, देखो एक तो ये रहा जिससे आप आए थे, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, लट भी खा लेगा जा रहा है ना, ये क्या बोला? एक और दो लिख दिया आपने, एक और दो का मतलब हो गया भाई, एक और दो का मतलब हो गया कि इस दो के बाद में आपको एक समूह ये और एक समूह ये दिखाई देगा, ये कहलाता है कौन सा समूह? ये समूह कहलाता है आइसो, क्योंकि दो ही तो दिख रहा है, या आपको कहीं कहीं जाना पड़ेगा इसमें, या अगर मैं इस दो के बाद में इसको तीन लिखूंगा तो एक ही समूह दिखेगा ना, इसका मतलब ये तो संरचना कैसी बन गई वापस से आइसो। तो पर नियो कैसे बनेगी? नियो बनेगी किसमें? चार कार्बन में नहीं बनके किसमें बनेगी? पांच कार्बन में बनेगी। पांच कार्बन में कैसे बनेगी डियर? वो देख बना के दिखा दूं, देख बनगी नहीं बनगी बोलो। अब इसमें गिन के देख लो, आप कहीं से भी काउंटिंग करके लाना, वन टू और दो पे आके आप देखो कितने रास्ते दिख रहे हैं, एक दो
तीन, बड़ा दिख रहा है क्या, तीन जगह जाना दिख रहा है, इसका मतलब ये नियो की स्ट्रक्चर है। तो हमें कंडीशंस में आइसो और नियो की स्ट्रक्चर भी दिखाई देगी, किसमें, एल्क में, बात समझ में। तो कार्बन श्रृंखला का गुण दर्शा रहा था, कार्बन में शाखा थी, दोनों प्रूव होती है इस एल्क के आधार पे, कार्बन की संरचना में देखने के आधार पे, ठीक है भाई। तो ये तो होगी कार्बन की संरचना, है ना। अब हम देखो इसमें बोले सर क्वेश्चंस के ओरिएंटेड, तो अभी बात ही नहीं कर रहे आप, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड मैं आपको अभी तक बात नहीं करूंगा और अगले एक डेढ़ घंटे के लेक्चर के बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये ऐसे बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही नहीं। ये तो आपको इंटरेस्ट दिला रहा होगा, अब आप लग रहा है यहां से अपने अपने लगते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग में अब बैठने लगा है कि मैं इसको ऐसे पढ़ता, तुमने इसे रट लिया कहीं से, कहीं पे, कहीं बुक भी, तो बुक में जो लिखा होता है वो बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ नहीं है, वो एक चैप्टर बना के लिखा हुआ है, हम पूरा कंक्लूजन एक साथ कनेक्ट करके लिख रहे हैं, है ना। हमें एग्जाम देनी है, एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे लिखा था पहले चैप्टर का पहला पेपर में ये आएगा, वहां कुछ भी आता है, तो हम उसको ऐसे पढ़े ना कि हाँ ए टू जेड तक ही समझ में आए, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। फिर तो दो कंडीशन समझ में आ गई मुझे, कार्बन श्रृंखला बनाता है, कार्बन में शाखा होती है, कार्बन में जो श्रृंखला और शाखा के जो संरचना बनती है उसे हमें एल्क बोलते हैं, और अब मैं उस एल्क को, एल्क बोले तो आर, आर बोले तो, आर बोले तो एल्क, एल्क बोले तो कार्बन की संरचना, इस कार्बन की संरचना को लिखने का तरीका बताता हूं। क्या बोला मैंने, इस कार्बन की संरचना को लिखने का तरीका या निरूपित करना, किसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्क, ठीक है, या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। कार्बन की संरचना को हम किस किस तरीके से दिखाई देखते हैं, देखो अब मैं आपको ऐसे बोले सर ये तो दुनियादान की है, अबे देख तो सही, अभी दुनियादान की है, तूने ऐसे भी देखा होगा, ये क्या है बताओ क्या है ये, बोले तो क्या है ये, एन है सर एन, अरे एन नहीं है, इसमें चार कार्बन है, एक दो तीन चार, ये ब्यूटेन है, समझा। तो ये कैसे आया, आपने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अरे देखा था क्या, मैं ऐसी संरचना को आपको टिप पे चढ़ाऊंगा, ऐसे टिप पे, ऐसे टिप पे आपको आंसर आ जाएगी। तो हम पहले बात तो कर ले क्या कि कार्बन की जो संरचना होती है उस कार्बन की संरचना को निरूपित कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम पहले अणु सूत्र पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम किसी का भी अणु सूत्र लिखेंगे, फिर उस अणु सूत्र की संरचना बनाएंगे, आणविक संरचना, ठीक है। उसके बाद संक्षिप्त रूप लिखेंगे, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाता है, आप 50 एग्जाम्पल को याद करते हो, 50 एग्जाम्पल याद करते हो, समझे, पर 50 एग्जाम्पल को एक एक बार ही पढ़ के चल जाते हो, जबकि ऐसा नहीं भाई, उस 50 की जगह 10 एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट रख, 10 को अगर 5 बार रिपीट कर, आपको कहीं तो भी क्वेश्चन में ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक 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 कंसेप्ट पे 50 क्वेश्चन को एक बार देख लिया तो आपको कभी भी पॉजिटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, समझे। तो आप मेरी बात को समझे, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप जो जिसे हम एल्क बोल रहे हैं, इस एल्क को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं आणविक सूत्र में, जो आपने खूब बार देखा है, आणविक संरचना जो आपको बुक में मिली हुई है, संक्षिप्त रूप ये भी बुक में मिला हुआ है, पर कुछ बुक में है कुछ में नहीं है और कहीं कहीं है, और डॉट रूप, डॉट फॉर्म, डॉट फॉर्म, डॉट जिसको आप बोलेंगे लाइन और डॉट, लाइन डॉट फॉर्म, दोनों फॉर्म, मैं डॉट लगाऊंगा लाइन बनाऊंगा उससे भी आपको पता चल जाएगा, बनाया था ना ऐसे करके, वो डॉट फॉर्म। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल का अणु सूत्र भी लिखेंगे, उसकी आणविक संरचना भी लिखेंगे, उसका संक्षिप्त रूप भी लिखने की कोशिश करेंगे, और उसका डॉट फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, समझे मेरी बात, करो बात करते हैं। तो बात करते हैं क्या, जैसे मैं बोलूं एल्क, एल्क बोलते ही कार्बन की संरचना, कार्बन की संरचना में मिनिमम कार्बन डियर को दिखा भाई आपको, एक दिखा नहीं दिखा, तो एक कार्बन का अणु सूत्र बनाए, तो एक कार्बन का
अणु, अणु यानी परमाणुओं का समूह। तो एक कार्बन में एक कार्बन ही होगा। अरे एक कार्बन की संरचना है तो एक ही कार्बन होगा ना, एक कार्बन है तो कार्बन को कितने बंध बनाने हैं? चार। तो ध्यान से सुनना, कार्बनिक रसायन विज्ञान में जो कार्बनिक रसायन विज्ञान है उसमें कार्बन हाइड्रोजन, क्या? कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन के बॉन्ड आपको या तो किसी समूह से जुड़े हुए दिखाई देंगे या तो बने हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, यानी कि एक कॉमन एलिमेंट है, अब आवारा एलिमेंट है, अब आवारा है तो किसी के साथ भी जुड़ के काम करते रहता है ना। अब ये क्या कार्बन के साथ बॉन्ड करके रहता है, तो एक कार्बन का अणु सूत्र देखूं तो इस कार्बन के चार बंध पूरे करने हैं मुझे, चारों बंध में CH4 के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है CH4 एक कार्बन का अणु सूत्र, सही बात है ना। दूसरी बात, अगर ये एक कार्बन का अणु सूत्र है तो इसकी आणविक संरचना कैसे बनेगी? सही है, तो इसका संरचनात्मक सूत्र, किसका? अणु का संरचनात्मक सूत्र, आणविक संरचना क्या है? ये कार्बन है, चार बंध बनाने की क्षमता रखता है, रखता नहीं रखता भाई? तो देखना मेरी बात को पहले ध्यान से समझना, ये मैंने चार कार्बन, एक कार्बन के चार हाइड्रोजन जोड़ दी, ये है इसकी आणविक संरचना, उससे पहले माइंड करने की जरूरत है। हमारा दिमाग यहां तक ही काम कर रहा है और एग्जामिनर इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि अगर ये संरचना बनाई तो स्टूडेंट सब बता देंगे ये कार्बन के CH4 की स्ट्रक्चर है, पर जब यही स्ट्रक्चर वो भाई साहब ऐसे नहीं बना के अगर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देते हैं, देखो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर ये क्या चक्कर था, ये एक 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 सब बराबर दूरी पे थे तब तो हमारे समझ में आया, पर ये क्या है भैया? ये ऐसे नहीं, ऐसे भी बनी मिल सकती है, देख ऐसे। जितनी अच्छी ऑथर की बुक होगी वो ही उतना अच्छे रिप्रेजेंट करके देगा आपको, क्यों? क्योंकि याद करो मैं क्यों बोल रहा हूं, कार्बन जो होता है, कार्बन के पास चार बॉन्ड बना रहा है, चार सिग्मा बॉन्ड है, चार सिग्मा का मतलब इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगी संकरण sp3 निकालने के कारण चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलक कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है कुछ, अरे ऐसे तो बनता है, बना के लिखो, ठीक है, ऐसे तो बनता है, ये ले एक दो तीन चार, बन गया नहीं बन गया? चतुष्फलक आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये मेरा हाथ कार्बन है तो ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो ये देखो ना स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, देखो ऐसे क्यों दिख रही है? इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जिसको आपने बोर्ड में लगाया हुआ है, ये बोर्ड में नहीं है तो ये बाहर है या फिर ये अंदर है, पर ये इस तल में नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, है ना। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देनी चाहिए, पर ऐसी नहीं दिखती है, ये दिखती है तो, और या फिर ये दिखती है, जब उसे कंफ्यूज करना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के देगा, मतलब। तो हमने ये कहा कि अगर ये बोले सर अभी यहां क्या काम आएंगे, ये आपको समावयवता में काम आएंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ जब काम आएंगे, कि किसी के ग्रुप को चेंज करने से रूप बदल जाता है और रूप बदलना ही समावयवता कहलाती है ना। तो हमने ये कहा कि आणविक संरचना ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ गए? एक ही एग्जाम्पल है अभी, तो बस एग्जाम्पल हम पांचों कार्बन तक, छह कार्बन तक लेके चलेंगे, देखना। तो हमने क्या बोला, ये इसकी आणविक संरचना है, क्या आपने लिखा होगा। अब बात करते हैं आगे, संक्षिप्त रूप, ये आणविक सूत्र है, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप कैसे हो सकता है आगे? मेरे भाई इसमें जो आपको H3CH लिखा हुआ है ये भी CH4 ही है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपको स्टूडेंट ऐसे बोलते सर ये क्या बना दिया, यही आपको बता रहा हूं, अभी तो ये एक कार्बन का है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सर ये तो अटपटा लगा, ये आपको माइंड कर लो, आगे वाले एग्जांपल बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है, फिर आप अच्छे अच्छे वो टॉपिक वो बहुलक में भी जाके कनेक्ट हो जाएगा, ग्रीन केमिस्ट्री में भी जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई सी भी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा ये संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है ना।
देखो आगे बढ़ते हैं, डॉट लाइन मेथड। डॉट लाइन मेथड में आप क्या करेंगे, अगर आप बिलीव नहीं करें वो तो क्या पेपर में आ नहीं सकते क्वेश्चन। अगर ये पेपर में ऐसे लिखा जाए कि निम्न में से कौन सा मैथेन का सूत्र है और आपसे पूछा जाए ऐसे बना के, और चौथे ऑप्शन में लिख दिया जाए कोई नहीं। अब आप सोचिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इसमें से 99% क्वेश्चन गलत करके आएंगे स्टूडेंट। वो ऐसा सोचेगा यार इस CH4, इस पूरे CH4 का मतलब ये, हाँ जी ये एक कार्बन है ध्यान रखना, और अब कार्बन की स्ट्रक्चर एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं समझे। तो इसके स्ट्रक्चर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे डियर, डॉट से। किससे, डॉट। अगर दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया तो डॉट लाइन मेथड हो जाएगा, डॉट लाइन मेथड से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखो ना एग्जांपल सेकंड की बात कर लो ना आपकी, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब मैं बात करूंगा किसकी, सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल देखना क्या बोलता है, दो कार्बन लेके आया मैं, कितने कार्बन, दो कार्बन। तो आप देखो दो कार्बन में इस कार्बन का एक बंद पूरा हो गया, हो गया नहीं हो गया, देखो मेरा नहीं इसकी तरफ देख, एक कार्बन जिसका बंद पूरा हो गया, दूसरा कार्बन इसका बंद पूरा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन का तो बंद पूरे हो गए, अब बाकी के बंद किससे पूरे कर दो, हाइड्रोजन से। कुछ ऐसे बोलते सर इसमें बॉन्ड तो बनाओ आप, अरे बॉन्ड नहीं बना सकते भाई, तीन तीन हाइड्रोजन को एक साथ आणविक रूप में लिख रहे हो, ये आणविक रूप तो फिर भी संरचना है, ओरिजिनल आणविक रूप तो ऐसे होगा, कितने कार्बन, दो कार्बन C2, हाइड्रोजन कितने, S6, ये है इसका आणविक सूत्र, देखा है ना C2S6, बोलो भाई देखा है ना। तो हमने क्या बोला C2S6 आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र की आणविक संरचना कैसे बनेगी, अब बना लेंगे आप अच्छे से बनाते हैं। देखो येलो 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 येलो, बोलो बन गई नहीं बन गई, ये एक आणविक संरचना है, क्या 100% सही है, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी आणविक जो संरचना है अच्छी वाली बुक में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, और कैसे दिखेगी, जो ऐसे दिखेगी, इसमें हाइड्रोजन 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 जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, ऐसी स्ट्रक्चर आपको लगभग दिखाई देगी, ये दो हाइड्रोजन भी अंदर है भाई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये है किसकी आणविक। अब देखो ऐसे संरचना बना के पूछा जाए बताओ इस कौन सा नाम है, तो तुम बहुत इजी में दे सकते हो, दो कार्बन, दो कार्बन सर मैंने एथेन बोल देंगे, बिल्कुल सही है, वो सिंपल है, हम वहां तक पहुंचेंगे तब आपको वहां पे पसीने आएंगे। अभी जो ऐसा लग रहा है ना अटपटा सा आ रहा है, सब नया ही पूछा रहा है, ये नया इसीलिए लगता है, ठीक है। अब मैं कंडीशन बात करूं संक्षिप्त रूप की, तो देखो संक्षिप्त रूप कैसे लिख सकता हूं मैं इस संरचना का, इस संरचना का संक्षिप्त रूप ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे प्रश्न यहां से पूछ लू कि निम्न में से कौन सी संरचना में, निम्न में से कौन सी संरचना में एथेन होगा, और ऑप्शन में एक ये लिख दिया जाए, एक लिख दो, ये एक लिख दो, एक लिख दो, अरे भैया अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता भी क्या बना दिया, क्या ये संरचना है, क्या ये संरचना है, ध्यान से देखो ना, ध्यान से इसको, तो ये तो बन ही नहीं सकती, ध्यान से देखो ना इसको तो ये बनती है, ध्यान से देखो ना इसको ये भी बनती है, गज्जू। आंसर पूछा है एथेन का, तो आपको आंसर CH3 का होल ट्वाइस अगर ऑप्शन में दिखाई दे तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, मार्क्स मिलेंगे कितने, इतने, समझे क्या। अब हमारे लोग क्या है, अगर इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टूडेंट छोड़ गया है, साल भर तैयारी कर रहा है बेचारा, नहीं क्या, अगर साल भर पढ़ू और फिर मेरे को लगे यार ये तो मेरे को देखा देखा लग रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है बस, पर तुक्का तो मार के चले, तुक्का मारो मिलता है ना तुक्के का, कितना -1, अरे मिलता है, नहीं मिलता तो क्यों तुक्के मारे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पहले से देख लो ना एक बार, अभी ये अगर दोबारा आया ना ऐसा क्वेश्चन तो तुझे अटकेगा नहीं। तो हमने क्या बोला संक्षिप्त रूप आपने लिखा CH3 का होल ट्वाइस, सही है कि नहीं। अब मैं इसको डॉट फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो डॉट फॉर्म में डियर ऐसे बना सकता हूं, एक कार्बन डॉट होता है
ये उल्टा बोले एक डॉट एक कार्बन होता है, तो ये कार्बन भी डॉट, यानी कि ये डॉट भी कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया नहीं बन गया, या तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, इनमें से कैसे भी बना लो, सही है कि नहीं है, ये कहलाता है। अब बताओ ये क्या है? रेखा, तेरा सिर रेखा। ये क्या है? एथेन। क्या है? एथेन। भैया आज के टाइम पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, अगर ऐसे पूछेगा तेरे से CH3 का बताओ नाम क्या है, तो तू क्या 100% स्टूडेंट आंसर दे के आएगा एथेन, ऐसे पूछेगा तो 60-70-80% गए, उसका लगेगा क्या है ये पता नहीं, डॉट लगा दिया, या फिर ऐसे लगेगा वहां टाइपिंग मिस्टेक होगी, सर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है वो, उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये एथेन है ना। अगला एग्जांपल और ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, देखते जाओ, हम 6 कार्बन तक चलेंगे, 6 कार्बन तक चलते चलते आपको लगेगा कि हाँ सर मजे आ गए। देखो तीसरा कार्बन, तीन कार्बन को लिखो C3H8। बोलो भाई क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो बना हुआ होगा CH3 CH2 CH3। अरे कैसे बना दिया? तो देख तीन कार्बन बना ली, 1 2 3 सही है। इन तीन कार्बन में इस कार्बन के पास जाके बोलो कार्बन दे जाए कितने बंद पूरे हुए, बोले 1, तो 3 इसके हाइड्रोजन जोड़ दो, सही है। फिर आपके कार्बन कितने बंद पूरे हो गए, बोले 2 पूरे हो गए भाई, 1 ले रहा 1 ले रहा, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, हो गए ना 4। ये एक बंद पूरा हो गया, 3 और जोड़ दो, हो गए ना 4। इसका मतलब ये बन गया ना, समझना इसको, गिनो कार्बन कितने हैं 3, ये लो 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 3 8, तो लिख दिया ना क्या, अणु सूत्र लिख दिया भाई, अणु सूत्र हो गया आपके पास 8। तो इसका मतलब 3 कार्बन की एल, कार्बन की संख्या 3 हो तो बनेगा C3H8। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? और इसकी आणविक संरचना जो होगी, उस आणविक संरचना को बनाए तो कैसे बनेगी क्लियर, वो बनेगी एक तो ऐसे, बोलो बनेगी नहीं बनेगी, बोलो, अरे बोलो ना रे सर, बोलते क्या है, बोलते ही तो हमें शर्म आती है, बोले मैंने फिर बोला, बोलो बोलो बोलो, बोलने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, मन में तो मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है बोलना, पर मैं बोलता हूँ ना तो वैसे लगता है यार क्या हुआ, तो शुरू शुरू में पता लगेगा, अरे छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं बोलना, बोलो कुछ बोलो, आ करते करते बोलने लग जाता है, वैसे ही बोल, हमने क्या बोला कि ये आपने देखा आणविक संरचना, आपने एक और बनाई, संक्षिप्त रूप क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई, क्या ये एक CH3 है, क्या ये भी CH3 है, तो देख कैसे बन सकता है, CH3 CH2 CH3, हर कोई स्टूडेंट को आ गया, अभी तो लिखा था, पर भैया मैं ऐसे नहीं दूंगा, तो कैसे देगा, ऐसे दूंगा भाई ऐसे, CH3 कितनी बार थे, 2 बार, और वो किससे जुड़ा हुआ था, CH2 से, अगर जो मैंने ये लिख दिया CH3 का होल्ड वाइज CH2, इसका नाम बताओ, तो आपको फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तेरे में तेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसको छोड़ के देंगे, सर हमें समझ में नहीं आया प्रोपेन कौन सी है, यही है प्रोपेन, CH3 का होल्ड वाइज CH2, कैसे आया, ऐसे आया ना रे, CH3 CH2 CH3, ये CH2 है ना, इस CH2 से एक CH3 ये जुड़ा हुआ और एक इधर जुड़ा हुआ है, देख 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 मेरे को देख अच्छे से, मानना कि ये CH3 है और ये भी CH3 है ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद CH2 हूं, सही है, तो मेरा एक बॉन्ड तो ये बन गया ना, और एक ये बन गया, बढ़िया नहीं बन गया, अगर ऐसा नहीं करके, ये मेरे से जुड़े हैं ना दोनों, अब किससे जुड़े हैं, अभी तो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्या मेरे 2 डबल बॉन्ड हो गए क्या, अलग अलग बॉन्ड है ना, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 CH3 को अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख के 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों जुड़ा हुआ तो CH2 से ही है ना, तो CH2 के अंदर CH3 का होल्ड वाइज लिख के आपको CH2 लिख दिया जाए, तो ये संक्षिप्त रूप कहलाएगा किसका, प्रोपेन का, अरे कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तुझे ये नाम तो बहुत अच्छे से याद है कि मैं टेन है, टेन प्रोपेन ब्यूटेन, बहुत अच्छे से याद है, इनके एप्लीकेशंस को समझ, बड़े मजे आएंगे ऑर्गेनिक में।
फिर बात करेंगे इसे लाइन डायरेक्ट डायग्राम कैसे बनेगा, तो डियर लाइन डायग्राम में आप क्या करेंगे, एक दो और तीन, जैसे ही आपने ये बनाया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्या रही? आपने देखा नहीं कि अभी ये यहां से और यहां तक एक कार्बन ऐसे था, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे तो जुड़े हैं, इसका मतलब ये सीधे कहां जुड़े थे, ये तो टेढ़े जुड़े हैं। तो अगला कोई आएगा तो सपोज करो यहां के जुड़ गया, तो ये क्या होगा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ऐसे तो होगा, होगा नहीं होगा। फिर एक और आ जाए मान लो ऐसे, यहाँ के दूसरा कार्बन जुड़ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बोलो भाई क्या ये टेंडा मेंडा नहीं चल रहा है? अरे बोलो ना, तो हम इसे सीधा नहीं जोड़ के कैसे जोड़ेंगे डियर, थोड़ा सा एंगल देके। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये जो है चतुष्फलकीय संरचना है, चतुष्फलकीय संरचना में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के लगभग रहना पड़ता है, थोड़ा सा तो ये तो 180 है, अरे मोड़ो ना मोड़ोगे तभी तो 180 का क्या बनेगा, आपको कम एंगल मिलेगा। तो देखिए एंगल की बात करें तो हम क्या बना देंगे इसको, ऐसे करके ऐसे, अरे बन गया, और बढ़ाओ क्या, तेरा घर का राज चल रहा है, ये देख एक और दूसरा और तीसरा, बन गया नहीं बन गया, यानी कि ये तो एक तो क्या है CH3, यहां कार्बन कार्बन डॉट फॉर्म और लाइन फॉर्म केवल और केवल कार्बन के लिए है भाई, समझा क्या? कहीं तो सोचे हाइड्रोजन के लिए भी लिखो, हाइड्रोजन के लिए नहीं है, केवल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एल यानी कार्बन की संरचना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH3 ये भी हो गया CH3 और ये हो गया CH2, बोलो होगा नहीं, तो CH3 CH2 CH3 इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया भाई ऐसे करके, बना दिया बना दिया त्रिभुज की तरह, त्रिकोण बना दे और त्रिकोण सॉरी कोणा बना दिया, नहीं बना दिया, बना दिया। ये स्ट्रक्चर है किसकी, ये स्ट्रक्चर है भाई साहब प्रोपेन की, है ना। अब प्रोपेन की स्ट्रक्चर है तो बात करेंगे किसकी, ब्यूटेन करेंगे करेंगे, तो देखते रहेंगे ब्यूटेन क्या बोलता है। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैं अभी एक स्ट्रक्चर लिखूंगा और आप उसको बिल्कुल तरीके से लिखने वाले हो फटाफट, कैसे ब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखने हैं कैसे, देखो C2 C4 H10, सही है, C4 H10 की आणविक संरचना बनाएंगे तो कितने कार्बन है, चार कार्बन है और तीन एच है, एक एच दो एच तीन एच दो हाइड्रोजन, अरे बोलो भाई अगर आपको आती है तो पहले बना के देखो, फिर मैं जो बना रहा हूं उसको मैच कर लेना, सही है कि नहीं है। अब इसका संक्षिप्त रूप लिखना गज्जू, इसका संक्षिप्त रूप देख कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है CH3 CH2, कितनी बार है भाई CH2, एक तो ये रहा CH2 ये रहा CH2, अरे इसको ऐसे लिख लू CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो CH3 कितनी बार है, दो बार, एक गेरा और एक गेरा, बोले सर एक काम करो अभी तो किया था CH3 का होल ट्वाइस लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद में CH2 का भी होल ट्वाइस लिख दो, फिर किसको किससे जोड़ रहा है बता रहा है क्या, नहीं देख ये मेरे जुड़ा है ये मेरे जुड़ा है ना, इससे कोई और जुड़ा है और उसको यहां लाके जोड़ दे तो क्या मेरे से जुड़ा है क्या, वो नहीं जुड़ा है ना, वो लास्ट वाला मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब मैं ये जो रिप्रेजेंट करूंगा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि CH3 का होल ट्वाइस और CH2 का होल ट्वाइस रॉन्ग, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग CH2 खुद भी किसी दो से जुड़ा हुआ है और CH3 भी आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसको कैसे कवर करना होगा, इसको लिखने का तरीका यहां से ना आके यहां से आगे, ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब इन्हें दूर दूर रखना पड़ेगा। तो अभी मास्टर अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मेरे को जोड़ दिया था ना, तो देख देखे वो जुड़ा हुआ था भाई CH3 CH2 CH3, ऐसे था ना, ये CH3 इस CH2 एक कार्बन से ही जुड़े हुए, तो मैं इन दोनों को जोड़ा मानूंगा, जुड़े हुए ना, पर अभी इसमें क्या है, इसमें ये CH3 तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये CH3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को एक जगह नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो क्या करें सर, संक्षिप्त रूप तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो ऐसे लिखो CH3 ये वाला, क्या ये आपस में एक साथ लिखे जा सकते हैं, 100% लिखे जा सकते हैं, क्या लिखेंगे CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3, बोलो होगा नहीं होगा, ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप, सही है कि नहीं है। अब बात करेंगे यहां डॉट लाइन फॉर्म की, तो डॉट लाइन फॉर्म बड़ा हो येलो येलो तीन कार्बन बस ऐसे चलता रहेगा, एक दो तीन चार पांच आएगा तो इसको नीचे ले जाएंगे, छह आएगा तो ले जाएंगे, सात आएगा तो नीचे ले जाएंगे, समझ में आ रही चके,
ओके आगे बढ़े। अब बात करें क्या पांच कार्बन की, किसकी नियत पांच कार्बन की। मैं आपसे ध्यान सुन लो, जब स्ट्रक्चर बनवाऊंगा ना आईसो नियो तो ऐसी बनवाऊंगा, देखते रहे पांच कार्बन में C5H12 है ना, पांच कार्बन में जोड़ के देख लो, पांच कार्बन आपस में जोड़ो एक 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 कौन से, फिर सब पे हाइड्रोजन जोड़ के आओ 12 हाइड्रोजन जुड़ेगी। हमने देखा आणविक संरचना, आणविक संरचना की बात करें तो क्या जुड़ जाएगा HCH आएगा कि नहीं आएगा बोलो ना रे, बढ़िया नहीं बढ़िया, ये पांच है छह गए पांच, यानी एक दो तीन चार पांच। अब देखो ये CH3 है और ये CH3 है, क्या ये आपस में एक जगह आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे सर, तो लिखो भाई CH3 आप तो बिल्कुल नहीं आएंगे एक जगह नहीं आएंगे, तो अब बीच में कितने CH2 आए एक दो तीन, ये आपस में जुड़ते आ रहे CH2 का होल ट्वाइस ट्वाइस के थ्राइस, क्या आएगा CH2 का होल थ्राइस आएगा नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी आणविक संरचना, किसकी सॉरी ये बन गई क्या संक्षिप्त रूप, आणविक संरचना को देख के हम संक्षिप्त रूप बना रखे हैं। सोचो ये ऐसे लिखे होते हैं डियर आजकल CH2 का होल थ्राइस CH3 बताओ इसका क्या नाम है, तो ऐसे देखे ना C2H5 लिखो C5H12 लिखो तो पेंटेन, इधर देख के सर ये तीन था ये भी तीन था ये तीन छह हो गया, खूब दिमाग लगाया कर जो, और फिर या तो कमर आएगा कैसे आग में गणेश महाराज की, तो गणेश जी क्या करेंगे बेचारे यहाँ तुम कंसेप्ट याद नहीं है ना, तो हमने क्या बोला संक्षिप्त रूप लिख दिया पांच कार्बन के लिए, ये लो या एक दो तीन चार पांच, हर डॉट होता है कार्बन, तो पेन चालू करोगे जहां पे डॉट लगेगा ना, तो ये हो गया कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, होगा नहीं होगा, ये हो गया पांच कार्बन की स्ट्रक्चर, हो गई नहीं होगी। छह कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत सिंपल होगी, अब मैं इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं कर रहा, C6H14 एक CH2 और जुड़ जाना और एक CH2 और जुड़ के आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी C6H14 की, बन जाएंगे मिल जाएगी C6H14 की स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल चुकी है किसमें, इसमें संरचनात्मक रूप में। अब मुझे ये कैसा रूप चाहिए, संक्षिप्त रूप चाहिए, तो संक्षिप्त रूप में देखो ना रे CH3 और CH2 का कितनी बार आएंगे CH2 एक दो तीन चार, CH2 का होल फोर CH3। आपने अगर अच्छी बुक पढ़ी है, अच्छे टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा, अगर पढ़ाया है तो मास्टर बढ़िया होगा ना, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा, ध्यान रखें समझा क्या, ये क्या है ये हेक्सेन है, क्या है ये हेक्सेन, समझ में आई बात, तो ये है संक्षिप्त रूप। अगर हम बात करें इसका डॉट फॉर्म, त्रिभुज के डॉट फॉर्म बन गया नहीं बन गया, अब आपको लग रहा है सर ये तो समझ में आ गया नहीं आ गया, तो फिर अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि इसमें और एग्जांपल कौन कौन से हैं जो आपको दिमाग को ऐसे हिला के रख देंगे, कैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आइसोब्यूटेन की संक्षिप्त रूप बनाइए, क्वेश्चन लिखो देखो, जैसे मैं आपको लिख देता हूं आप ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, और यहीं पे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे आज है ना, फिर बात करेंगे कल। क्या बोला मैंने आइसोब्यूटेन, क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सा आइसोब्यूटेन की संरचना है, ध्यान से सुन लेना पहले मैं क्या कह रहा हूं, निम्न में से कौन सी आइसोब्यूटेन की संरचना है, ठीक है भाई, तो बात करें पहला CH3 का होल थ्राइस, ठीक CH3 का होल फोर CH2 का होल ट्वाइस CH3 दिखाया क्या भाई, अरे बोलो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सी आइसोब्यूटेन की संरचना है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, देखो राधे राधे हो गई क्या राधे राधे, अभी बताना रे इसमें आंसर कौन सा है, मैं आपका वेट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहूंगा, ऑप्शन बता दो कौन सा आंसर सही है, और अगर आपको ये समझ में आ गया इसका मतलब मेरी आज की क्लास का पूरा जो मेहनत है वो सक्सेस होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं, थैंक यू कल, ओके बाय।